शुगर अभी खुद मारने आओगे, शुगर मारे करुणाल। तो मेरी जगह कहना है कि इस बार धान तो अच्छे हो रखे हैं, लेकिन धान पके नहीं है। धान कट्टा लेके आ रही हैं चाची, धान का कट्टा लेके आ रही हैं। घास काट के आ रहे हैं, क्या ला रहे हैं? अंडा ला रहे हैं। हाँ, अंडू सा खाला। आ जाओ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ललित सनवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पहाड़ी विरासत में और देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों से। चलिए दोस्तों, आज मैं आ रखा हूँ अपने गांव, यानी कि शनिवार है तो शनिवार को मैं अपने घर आ जाता हूँ। और आप देख सकते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे सब बैठे हैं मेरे आसपास और ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है अपने गांव से। तो अभी मुझे जाना है किसी काम से खेतों की तरफ, क्योंकि आजकल धान की कटाई बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। तो भाई मैं तो खेतों की तरफ जा रहा हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तुम खेल करो। हाँ रे, खेल करो। हाँ, क्या खमचे काच अमरूद के लिए खमचे। तो अभी गांव का माहौल बहुत सुनसान सा हो रखा है, सभी लोग अपने खेतों में जा रखे हैं काम करने के लिए। तो मैं अभी स्कूल से आया तो सीधे निकल रहा हूँ खेतों की तरफ। तो आजकल धान की कटाई चल रही है तो वहीं चलते हैं। सामने भनेरिया गांव के धान के खेतों के चारों तरफ देखिए साड़ी लगा रखी है रंग बिरंगी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है दूर से। और ये देखिए पूरे धानों को बचाने के लिए, ताकि सुअर इसमें अटैक ना करे और फसल को बर्बाद ना करे, तो रंग बिरंगी साड़ी बहुत गजब की लग रही है। और यहीं पर ताई जी लगी हैं खेतों में काम करने पर। ओ ताई जी, क्या माँ हैं, क्या माँ मनु लहम जाए। हाँ, तो हमारे गांव के सभी लोग वहां पे लगे हैं। देखो, उन्होंने मेरे को देख लिया, दूर से हाथ हिलाने लग गए हैं। तो वहीं मुझे जाना है। तो ये है पूरी हमारे गांव की शारी और इसमें देखिए धान पक चुके हैं और सभी लोग धान काटने के लिए पहुंच चुके हैं खेतों में। सामने चाची लोगों ने भी धान काटना शुरू कर दिया है और आधा खेत पूरा धान काट चुके हैं। और यहाँ पर भाभी लोग हैं। तो सुंगर ने देखिए पूरी मेड को यहाँ से तोड़ रखा है, लेकिन धान के खेत को कुछ नहीं किया। ये हमारा लक है कि धान बच चुके हैं। ताऊ जी नमस्कार। हाँ बढ़िया, और रहेगी? हाँ बढ़िया, नमस्कार। हाँ भाई नमस्कार। हाँ रहेगी? हाय। अरे शुगर अभी खुद मारने आओगे, शुगर मारे करुणाल। हम मैं क्या तुम कहो। अच्छा, देखिए चारों तरफ सुंदर सा नज़ारा है और पीले पीले धान पक चुके हैं और पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है धान काटने की। लेकिन कुछ धान के खेत ऐसे हैं सुअरों ने बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन कुछ बच चुके हैं। तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो बचा ही। मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में और यहां पे हम सब लगे हैं। अब मेरी भी बारी है धान काटने की और यहाँ पर मेरी इज्जत लगी है धान काटने में। और इतना सा हमने काट लिया है और यहाँ पर पिताजी भी लगे हैं काटने पर। तो ये तीन चार खेत हमारे हैं ऊपर तक धान, तो देखते हैं कितना कटता है। आज दो खेत काटे हैं। तो अब बारी है इन धान के, जितनी भी ये बालियां हैं चारों तरफ से इस तरह से गोल घेरे में ऊपर चट्टा जैसा लगा देंगे और दो या तीन दिन के बाद फिर इनको इनकी मड़ाई होगी, फिर इनकी धान की बालियां जो हो जाती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, फिर इनसे आराम से ये धान छटक जाते हैं, फिर इनको कट्टों में भर के घर की तरफ ले जाते हैं।
तो सामने लक्की भी अब आवाज़ लगाने लग गया है। आ जा। हाँ लक्कू, यामी और कब आया तू? नमस्ते नमस्ते। और ठीक? बढ़िया। तो मेरी जगह कहना है कि इस बार धान तो अच्छे हो रखे हैं, लेकिन धान पके नहीं है। धान पाक नहीं से बार है? जब धान की रोपाई हो रही थी तो उन चारों खेतों में मैंने धान की रोपाई करी और आज देखो पूरी फसल पककर तैयार हो चुकी है। और वास्तव में जब फसल पककर हमारी मेहनत का फल हमें मिलता है तो बहुत खुशी की जो फीलिंग होती है अंदर से, वो खुशी हमें मिलती है। और हमारे धान का पूरा ये चट्टा है वो पूरा हो चुका है। हमारे गांव के खेतों के ठीक सामने यहाँ पर एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है मसाण गड्डी। तो आजकल देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी हो रहा है। कल दो दिन से लगातार बारिश की वजह से इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी देखने को मिल रहा है। चलो जी, खेत में धान जो थे वो कट चुके हैं और हम अब घर को बढ़ रहे हैं। तो चंदू भाई के यहाँ के धान मार दिए हैं बल, और चार कट्टे हो रखे हैं। चार कट्टे बोले तो ये आधा कट्टा और दो पूरे कट्टे। और ये जा रही है चन्नू। चन्नू हाय कह दे। वहाँ से ताई जी लोग, चाची लोग सब घास लेके आ गए हैं अपने पालतू पशुओं के लिए। और लास्ट में आ रही है चन्नू। तो हैं क्या हो? हाँ धान मानी की काटी आज? हैं अच्छा, बहुत बढ़िया। ओए ओए हाय, तू किलो लोकम से? तो सारे लोग लौट चुके हैं खेतों से। अरे आगे जा, तो ये मुनोम धर पे मुनोम धरने की। हाय मुँह पा रहा है। देखिए सारे लोग लौट चुके हैं खेतों से। कोई धान काट के आ रहा है, कोई धान की मड़ाई करके आ रहा है, और लौटते समय अपने अपने पालतू पशुओं के लिए घास लेके आ रहे हैं। तो ताई जी लोग भी आ गए हैं पीछे से। चंदू भाई धान का कट्टा लेके आ रही हैं, चाची धान का कट्टा लेके आ रही हैं, घास काट के आ रहे हैं। क्या ला रहे हैं? अंडा ला रहे हैं। हाँ अंडू साग खाला। समझी नहीं है। आ जाले बहुत साग हो। तो लक्की भी आ गया है कल हल्द्वानी से घर, और अभी मेरे साथ है, चल रहा है। इसने परसों ही संगीत का पेपर दिया है नहीं? हाँ। मतलब इंट्रेंस एग्जाम है ना? हाँ। संगीत का, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए, मतलब क्या क्या प्रश्न पूछे गए उसमें? अलंकार पूछे, शुद्ध स्वर पूछे, व्यक्तित्व पूछे, कोमल पूछे, और भजन भी पूछा। अच्छा, उसका सरगम पूछा, राग क्या होता है। तो संगीत का पेपर दे के आ रखा है लक्की परसों ही। देखो आप, रिजल्ट का इंतजार रहेगा। और कंचन आ रही है पीछे पीछे घास लेके आराम से अपना। और यहाँ पे बिक्की लोग हारे। नमस्कार बोलो, आ जाओ, चलो आओ घर को नहीं आ रहे, चलो टाइम है। बहुत बड़ी नदी आ गई है, देखिए नदी पार करते हुए सारे गांव वाले आराम जाए हैं। बगिया धन पे गाड़ बहुत है। तो ताऊ जी भी आ गए दुकान में। ताऊ जी नमस्कार। दुकान है नहीं? अच्छा, बहुत लेट है।